everyone. Hello everyone. Myself Farida Zadikot from Surat, Gujarat. And welcome to the live session of Amul. अमूल के इस पेज पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कसाटा रेप्स। कसाटा तो बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, जो सबको पता ही है। कसाटा ट्राइकलर होता है, उसमें वो हमने रेप्स में कन्वर्ट किया है। वो बेसिकली एक डेजर्ट के फॉर्म में हम बना रहे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं कसाटा रेप्स, राइट। तो उसके लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो पहले हम देख लेते हैं। ये मैदा लिया है मैंने 2 कप। ये पाउडर्ड शुगर है, नॉर्मल जो शुगर आती है उसको ग्राइंड कर लिया है। 1 एग लेना है, ये एग है। बेकिंग पाउडर है, ये वेनिला एसेंस है। और मिल्क से हमें बैटर बनाना है तो ये मैंने मिल्क लिया है। और ये सब कलर है, वो आगे मैं ये सब जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाएंगे वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक मिक्सर बाउल ले लेते हैं। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, वो पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर हमें लेना है 1 टीस्पून। और ये पाउडर्ड शुगर है, वो मैं 3 टेबलस्पून ले रही हूँ। पहले ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1 एग लिया है। अगर आप वेजिटेरियन हो और एग नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। एक ऐड कर लेते हैं, मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर हमें मिल्क से बनाना है। जो मिल्क है वो रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। ये मैं मिल्क ले रही हूँ। इसका बैटर हमें बहुत थिक नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। सो हम इस तरह से कंसिस्टेंसी उसकी मैनेज करनी है। पतला करना है। बिकॉज हमें रेप्स बनाना है तो रेप्स काफी पतले होते हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें बहुत ही पतली चाहिए, बहुत थिक नहीं चाहिए हमें। और थोड़ा मिल्क ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इतनी पतली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें प्रॉपरली। ये हमारा बैटर
अच्छे से मिक्स हो गया है। हम कसाटा रेप्स बना रहे हैं, तो ये बैटर का हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसमें हमें कलरिंग देनी है। ठीक है, तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मैंने नॉर्मल फूड कलर लिया है। अगर आप इमल्सन ले रहे हो तो आप वेनिला एसेंस मत ऐड करना, बिकॉज इमल्सन में इटसेल्फ एसेंस होता है साथ में। यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ जिसमें वो एसेंस नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। तो पहले वेनिला एसेंस ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर रेडी हो गया है रेप्स का, इसे अब हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमें 3 कलर देना है तो हम इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लेंगे इक्वली। फूड कलर ऐड कर लेंगे, ये रेड कलर नॉर्मल जो आता है वही वाला है। पिंक कलर देने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि ये नॉर्मल फूड कलर लिया है मैंने, अगर आप इमल्जन ले रहे हो तो आपको वेनिला एसेंस ऐड नहीं करना है। ये हमारा पिंक कलर बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम येलो कलर बना लेंगे। अगर आप फ्रेश फ्रूट की फ्लेवर देना चाहते हैं तो ये येलो कलर की जगह पे आप पाइनएप्पल सिरप भी ले सकते हैं, और ये जो मैंने पिंक कलर लिया है वहां पे आप रोज सिरप ले सकते हैं, या तो फिर स्ट्रॉबेरी का भी फ्लेवर दे सकते हैं। और जो ये हम ग्रीन कलर बनाने वाले हैं वहां आप कीवी का फ्लेवर दे सकते हो या फिर पिस्ता का भी फ्लेवर दे सकते हो। ये हमारा येलो कलर बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम ग्रीन भी बना लेंगे। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ग्रीन कलर और करना पड़ेगा। ये हमारा ग्रीन कलर भी बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये हमारा पिंक, येलो और ग्रीन दोनों तीनों कलर का बैटर रेडी हो गया है। अब हमारा बैटर रेडी है, अब हमें इसमें से रेप्स बनाने हैं, राइट? तो इसमें से हम पहले रेप्स बना लेते हैं। रेप्स बना लेते हैं हम। ये
जो नॉर्मल डोसा का तवा आता है वही लिया है। गैस ऑन कर लेते हैं। ब्रेड्स आप छोटी बड़ी कोई भी साइज में बना सकते हैं, पर ये आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप रेक्स बनाने के बाद उसे कोई भी कटर या फिर आपके पास कोई डिब्बे का ढक्कन वगैरह रहता है लीड, उससे से प्रॉपर शेप में उसको एक जैसे कट करना है। ये हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें से हम रेक्स बना लेते हैं। फ्लेम हमें बहुत ही हाई नहीं रखनी है बिकॉज उसका कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है, तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं कि हमने जो बेकिंग पाउडर और एक बैटर में लिया है उससे कितना अच्छा लुक आ रहा है इसके। ये हमारा बन के तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम येलो कलर में से भी बना लेंगे। मैं यहाँ पे पतले पतले बना रही हूँ, आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो और आपको ऐसा लगेगा कि इतना पतला तो मुझसे नहीं होगा तो डोंट टू वरी, मतलब आप थोड़ा मोटा भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप चाहे तो इसमें बटर ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ नॉनस्टिक लिया है तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती ये मतलब कुछ ऐड करने की, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बटर घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। इसे कुक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारा येलो भी बन के रेडी हो गया है। हमें जैसे मैंने पहले बताया कि हमें फुल फ्लेम पे इसे कुक नहीं करना है बिकॉज इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हम स्लो फ्लेम पर बना रहे हैं तो इसका कलर मेंटेन है। इसी तरह से हम ग्रीन में से भी बना लेंगे। आप इस पे बबल देख सकते हो।
स्कैन कर लेंगे इसको भी। ये ग्रीन वाला भी हमारा बनके रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा ग्रीन भी बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने ये सब बना के रखे हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमें सबको पर्टिकुलर एक शेप में कट करना है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये डब्बे का नॉर्मल ढक्कन आता है स्टील का, बिकॉज कि इसकी धार बहुत तेज होती है तो वो कटिंग करने में आसानी होती है। अगर आपके पास कुछ भी हो, आप कटर भी होते हैं जैसे कुकीज वगैरह के हो, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कट कर लेते हैं एक शेप में। इस तरह से आराम से हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। देखिए ये हमारा कट हो गया है। इसी तरह से सबको कट कर लेते हैं। ये येलो वाला आप साइज अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। आपको छोटा चाहिए तो आप छोटा भी बना सकते हो, अगर बड़ा चाहिए तो आप इससे भी बड़ा भी बना सकते हो। ये हमारा येलो भी कट हो गया है। उसी तरह से हम ये पिंक भी कट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारा पिंक पिक कट हो गए। आप देख सकते हैं कि सबका शेप एक जैसा आ गया है। ठीक है, तो वो अरेंज करने में भी आसानी होगी और लुक में भी काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम अरेंज करते हैं। तो ये इसकी जो बीच में फिलिंग के लिए मैंने ये व्हाइट चॉकलेट गनाश लिया है, जो नॉर्मली हम बनाते हैं व्हाइट चॉकलेट और अमूल का क्रीम लेके पोर्शन इक्वल लिया है मैंने। और क्योंकि उसे मुझे लेयरिंग करनी है तो ये मुझे ठंडा करके उसके बाद यूज करना था, तो मैंने ये बना के रखा है। ठीक है, आप जैसे मैंने गनाश लिया है, आप फ्रेश क्रीम का भी, व्हिप क्रीम का भी यूज कर सकते हो और थिक कस्टर्ड भी बना सकते हो, थिक रबड़ी भी बना सकते हो। पर्सनली मुझे फ्रेश क्रीम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सो मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया है। आप कुछ भी ले सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। ओके, बिकॉज मुझे लगता है कि कुकिंग को क्रिएटिव बनाना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, तो आप कुछ भी, मतलब इसमें आपको कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं जाना है, आप अपने चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने गनाश लिया है तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले मैं येलो ले लेती हूँ। क्योंकि हम बीच में गनाश लगाने वाले थे, इसलिए मैंने जो बैटर बनाया है, मतलब जो हमने रेप्स बनाए हैं, उसमें हमने
शुगर कम लिया है बिकॉज वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। इसी तरह से हमें सारे लेयर बनाने हैं। मैं मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने येलो लिया है, उसके बाद मैं ग्रीन लूंगी, उसके ऊपर पिंक। अगर आपको वन बाय वन मतलब येलो, उसके बाद पिंक, उसके बाद ग्रीन ऐसे लेना है तो भी आप ले सकते हो। ग्रीन ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने येलो और ये ग्रीन सब दो दो लेके बना रही हूँ। आप जितने चाहिए उतने लेयर्स बना सकते हो। पिंक ले रही हूँ। आप जितने चाहिए उतने लेयर्स बना सकते हैं। ये हमारे रेप्स बन के रेडी हो गए हैं। क्योंकि हमने इसमें गनाश लगाया है इसलिए इसको हमें फ्रीज में सेट करने के लिए रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर इसे हम कट करेंगे तो वो सब लेयर्स अनइवन हो जाएंगे, तो इसको सेटिंग टाइम हमें देना पड़ेगा। सो हमें हाफ आवर फ्रीज में रखना पड़ेगा। तो ये मैं फ्रीज में रख देती हूँ और जो मैंने बना के रखा है वो मैं ले लेती हूँ। ये मैंने बना के रखा है, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इसकी हम गार्निशिंग कर लेते हैं। इसकी गार्निशिंग के लिए जो कोकोनट फ्लेक्स आते हैं, नॉर्मली जो हम कोकोनट भूरा बोलते हैं, उसको मैंने तीन कलर में कर लिया है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है येलो, ग्रीन और पिंक, उसी तरह से ये तीनों कलर मैंने इसमें कर लिया है और इसको मिक्स कर लिया है। ये इसके ऊपर में स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये हमने स्प्रिंकल कर दिया है।
इसको हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं। यह हमारा कसाटा रेप्स बनके रेडी हो गया है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये बनके रेडी हो गया है हमारा कसाटा रेप्स। ओके, तो मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। आप इसमें इसकी लेयरिंग देख सकते हैं जो मैंने पीस कट किया है उसमें। इसमें भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना लेयर्स में। ओके, तो ये हमारा कसाटा रेप्स बन के रेडी हो गया है। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और थैंक यू वेरी मच अमूल फॉर गिविंग मी सच अ बिग प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।